राजधानी लखनऊ में ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी संस्थाएं कार्य भी कर रही हैं और काफी हद तक प्रयासरत भी हैं। जहां पर हमारे समाज में ड्राइवरों को बहुत ही हीन और दीन दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ मारपीट जैसी अप्रिय घटनाएं भी घटित होती हैं, क्या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए संस्थाएं कारगर साबित हो रही हैं? और वहीं पर एक संस्था ऐसी भी है जो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए रात दिन लगातार प्रयासरत भी है और काफ़ी हद तक अपने मुकाम तक पहुंच भी रही है। ऐसी ही एक उभरती हुई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जो कि ड्राइवरों के हितों के लिए लगातार अपना संघर्ष जारी कर रहा है। मेरा नाम है रिपिन सिंह और आपकी संस्था का नाम? मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रवादी कार्य निर्मित शक्ति। संस्था को स्थापित करने का क्या स्ट्रेटजी थी, क्या ऐसा दिमाग में आपके आया कि ये इसकी नींव रखनी चाहिए या इसको स्थापित करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज नेशनल वाइज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरीश तिवारी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि पूछा कि संस्था को स्थापित करने का मेरा हाँ सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नितिन सिंह। आपकी संस्था का नाम? मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रवादी कार्य यूनियन। संस्था को स्थापित करने का या जब आपने इसकी नींव रखी तो क्या आपके दिमाग में स्ट्रेटजी थी या क्या उद्देश्य? संस्था को ये देखते हुए स्थापित किया गया जैसे कि चालक समाज के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उनके लिए आप ड्राइवर समाज के साथ जैसे आप कह रहे हो कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, तो उनके लिए ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, आपकी ऐसी संस्था उनको कौन सी सुविधा दे रही है या कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए आप प्रयासरत? देखिए, जैसा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, तो उनमें से एक हमारी संस्था भी एक ऐसी है जो हम 24/7 यानी किसी भी समय हम जो है उनकी सुविधा के लिए, उनके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई आप हेल्पलाइन नंबर भी आपने लगा रखा है या सेवा के लिए कोई नंबर, ऐसा पर्टिकुलर नंबर, रजिस्टर्ड नंबर जिस पर आप जो है आपसे संपर्क साधा जा सके? हाँ, मैंने एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर रखा है जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ और अपने चालक समाज को भी बताना चाहता हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके और हमसे मतलब सुविधाएं और हेल्प ले सकते हैं जिससे उनके ज़्यादा सहायता होती है। तो मेरे पास अगर वो कॉल करेंगे तो उनको मैं सुविधाएं दूंगा जिस भी प्रकार की उनको सहायता चाहिए होगी। लखनऊ के ही ओला या उबर के ड्राइवर इससे जुड़ सकते हैं या ये आपकी योजना, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, क्या 75 जिलों में भी आपकी संस्था कार्य कर रही है? देखिए, वैसे हमारी संस्था जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है, लेकिन इस समय जो पूरी तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके जो सक्रिय है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में है। लखनऊ के चालक को हम ज़्यादा बेटर से बेटर सुविधा दे रहे हैं और यहाँ से हम उद्देश्य देना चाहते हैं कि ऐसा दूसरे भी जिलों में ऐसी संस्था चलनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारी काम करने चाहिए जिससे चालक समाज के लिए उनके मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा सके। जैसे आपने चालक संवर्ग की बात करी है, चालक एक जो है ओला उबर ड्राइवर है, तो इसमें किस किस संवर्ग के चालक आ सकते हैं, क्या वो ई रिक्शा या ऑटो ड्राइवर भी इसमें आ सकता है? देखिए, चालक के बारे में जो आपने पूछा, तो किसी भी वर्ग का चालक, किसी भी वर्ग का चालक हमसे जुड़ सकता है। उनकी जो भी परेशानी है, उनकी जो भी आवाज है, या अगर वो उनके साथ किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है या अत्याचार हो रहा या जुल्म हो रहा या उनके साथ शोषण हो रहा, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनकी आवाज़ को हम मजबूत करेंगे और उनको न्याय दिलाने का कार्य हम करेंगे। तो अभी ऐसा कुछ आगे भविष्य में कुछ आपने एक योजना या प्रारूप कुछ ऐसा चालक संवर्ग के लिए या ड्राइवर यूनियन के लिए कुछ ऐसा आपके दिमाग में स्ट्रेटजी है आगे फ्यूचर के लिए कि कुछ प्रारूप बनाया हो, ये फैसिलिटी देंगे या स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा इनको कुछ सुविधाएं या सुरक्षा की कुछ दृष्टि के मद्देनजर कुछ प्रदान करने का है कुछ आपके? देखिए, सबसे पहली बात तो चालक समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओला उबर इन ड्राइवर के चालक समाज के लिए, जैसे कि वो पैसेंजर को लेकर जाते हैं उनके साथ मारपीट करना और ओला उबर जैसी कंपनियों का टेलीकॉलिंग सिस्टम ना होना, उसके बाद क्या आपस में मनपन होना, उस बीच में क्या होता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो उस पर क्या होता है, हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो हमें कॉल करते हैं जिससे हम उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान करते हैं और उनको चीज़ों से निजात। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक हेल्प ग्रुप का नाम का ग्रुप बना रखा है और एक लाइव लोकेशन का नाम का ग्रुप बना रखा है। लाइव लोकेशन में क्या होता है, चालक जब भी अपना वर्क स्टार्ट करता है तो उसमें 8 घंटे की अपनी लाइव लोकेशन डाल देता है जिससे उसके साथ कहीं भी किसी भी जगह कोई घटना घटित होती है तो हम लोग उसे ट्रैक करके तुरंत उसको सुविधा देते हैं। किसी प्रकार की घटना घटित होती है हम 24/7 रात हो या दिन हो उसको तुरंत सुविधा देने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप ड्राइवरों के हितों के लिए बहुत सारे कदम भी आप उठा रहे हैं और प्रयासरत भी हैं और हेल्पलाइन नंबर भी आप चला रहे हैं और लाइव लोकेशन जैसी फैसिलिटी भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं,
और जैसे कि हम देखते हैं कि रात्रि के टाइम में जैसे ओला उबर की कोई यात्री अगर हमारा स्टेशन पर आया है या लखनऊ जंक्शन जैसे स्टेशन पर है और वो ओला उबर बुक करता है, और मान लीजिए महिला पैसेंजर है और आपके चालक द्वारा उसके साथ कुछ भी अगर दुर्व्यवहार किया जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि हम दोनों पक्ष की सुनते हैं। अगर मुझे जरा सा भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं चालक गलत है, तो फिर संस्था द्वारा उसके ऊपर भी प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाती है, जिससे यात्री भी सेफ रहे। क्योंकि हम यात्री और चालक दोनों का पक्ष लेके चलते हैं, जो गलत होता है उसके खिलाफ हमारी यूनियन प्रशासन। वाहन चालक के ड्राइवर के साथ मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है, तो आपकी संस्था द्वारा भी उसको कुछ सहयोग किया जाता है उसके परिवार के सदस्यों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब भी हमें ऐसा पता चलता है कि किसी भी वाहन चालक के साथ कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं घटना को देखते हुए जांच करते हैं कि किस प्रकार की उसके साथ घटना हुई है और किस प्रकार का उसको सहयोग चाहिए। अगर घटना कोई बड़ी होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके पास क्या इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से क्लेम दिलाने का कार्य करते हैं। अगर छोटी मोटी घटना होती है तो हम लोग सहयोग करके उसको किसी भी तरीके से उपचार कराने का कार्य करते हैं। तो ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए आपकी संस्था के द्वारा कोई साप्ताहिक या मंथ में कोई माह के अंत में जैसे संस्थाओं द्वारा मीटिंग भी कराई जाती है, तो ऐसे कुछ मीटिंग का प्रावधान भी है? हाँ, जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग मंथ में एक मीटिंग रखते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चालक समाज को बुलाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे नियम से चलना है, किस कायदे से चलना है, जिससे आपका हर प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कॉमर्शियल वाहन है तो उसको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने वेतन पूरे रखिए, कि जिससे कोई भी घटना घटित होती है, दुर्घटना घटित होती है, तो आपके साथ हम सहयोग कर सकें, पेपर वर्क हम लड़ सकें और आपको क्लेम दिला सकें। तो क्या जो आप ये इसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि जो पैसेंजर है और महिला चालक महिला पैसेंजर है या जो भी है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार, ये मॉरली कुछ आपकी तरफ से रहता है? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि यात्रियों के साथ मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए चालक को, तो हम लोग मीटिंग में बताते हैं कि महिला हो या पुरुष यात्री हो, उसके साथ एकदम फ्रेंडली व्यवहार रखिए, मधुर व्यवहार रखिए, और उसको जिस स्थान से उठाते हैं और डोर टू डोर यानी डोर टू डोर पिकअप करिए और डोर टू डोर ड्रॉप करिए, और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, जिससे किसी प्रकार की आपको क्षति ना पहुँचे और आपके ऊपर चलान ना कटे और आपकी गाड़ी के ऊपर चलान ना कटे। इस तरीके के अन्य जानकारियों का हमने बताया। यदि कोई ड्राइवर आपकी संस्था से नहीं जुड़ा है तो वो सीधे अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कोई आपकी तरफ से कोई संपर्क सूत्र या नंबर? देखिए, हमारी संस्था का एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिसका नंबर है 5517-5333-00। जी, इस पर कॉल करके कोई भी चालक हमसे जुड़ सकता है, और जो चालक हमसे नहीं भी जुड़े हैं अगर वो भी इस पे कॉल करेंगे तो उनको भी हम सुविधा देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और ये थे राष्ट्रवादी यूनियन चालक संघ के अध्यक्ष, जिनके साथ हमने बातचीत करके इनकी संस्था के बारे में जाना और इनकी संस्था जो है चालकों को किस किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, और 24/7 कॉल सेंटर भी इनका चल रहा है और लगातार प्रयासरत भी है और संघर्षों का दौर लगातार जारी है। मैं हूं हरीश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस।